हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम ईवी लुकास के फेमस ऐसे बोर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अगर आप बाकी के ऐसेज को भी समझना चाहते हैं तो वो आपको ऐसेज नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस ऐसे में ईवी लुकास ने हमें अलग अलग तरह के बोरिंग लोगों के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि बोरिंग लोगों की क्या क्वालिटीज़ होती है। इसके अलावा उन्होंने हमें ये भी बताया है कि कैसे हम अपने आप को बोरिंग लोगों के जाल से छुड़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। In the first paragraph, Lucas says that if anyone wants to write about bores, it requires a sense of superiority. तो पहले पैराग्राफ में लुकास ने हमें बताया है कि अगर कोई बोर्स के बारे में यानी बोरिंग लोगों के बारे में लिखना चाहता है तो उसके लिए उस आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सुपीरियरिटी और अश्योरेंस होना चाहिए, यानी ये समझना चाहिए कि हम बोरिंग लोगों से बेहतर हैं, तभी हम बोरिंग लोगों के बारे में लिख पाएंगे। ट्रू बोर्स आर ऑलवेज अनकॉन्शियस ऑफ देयर बोरिंग नेचर। फिर वो हमें बताते हैं कि जो बोरिंग लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो कितने ज़्यादा बोरिंग हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंपेनिएबल हैं दूसरों के लिए, यानी दूसरों के लिए बहुत अच्छे फ्रेंड्स और कंपेनियंस साबित होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। फिर वो कहते हैं ही मेक्स अ स्टेटमेंट दैट इन एवरीबडी देर इज़ अ बोर। वो कहते हैं कि हर इंसान में कहीं ना कहीं एक बोर छुपा हुआ होता है, यानी हर इंसान किसी न किसी पॉइंट पर बोरिंग हो ही जाता है। ईगोटिज्म इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बोर्स। तो जो बोर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। दे आर सेल्फ सेंटर्ड, वो हमेशा अपने बारे में पहले सोचते हैं और हमेशा वो अपनी ही बातों के अपने ही बारे में वो बोलते रहते हैं, अपने ही इंटरेस्ट के बारे में बोलते रहते हैं कि उन्हें क्या इंटरेस्टिंग लगता है और दूसरों को क्या इंटरेस्टिंग लगता है इसके बारे में वो ज़रा भी कंसिडरेशन नहीं दिखाते। इन देयर स्टोरीज ऑलवेज दे आर द सेंट्रल फिगर्स। तो अपनी कहानियों में वही मेन कैरेक्टर होते हैं और वो बस अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी कार, बीवी, गाड़ी, बंगला, बच्चे, उन्हीं के बारे में वो लोग बात करते रहते हैं। बोर्स आर ऑलवेज हैप्पी बिकॉज यूजुअली दे हैव अ लॉट टू टॉक। तो वो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और अपनी बातें सुनाने के लिए वो ऑडियंस भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के पास उतना जिगर नहीं होता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम उन्हें मुंह पे बोल दें कि भाई तुम यहाँ से जाओ। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू डायरेक्टली से फॉर हेवन से गो अवे यू वियरी मी। तो हम लोग ये डायरेक्टली नहीं कह पाते कि भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे थका रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ बोर्ड्स एंड आइदर दे एंड्योर एंड लिसन टू देम और एस्केप बाय अ फ्राइटेंड फ्लीट। तो ज़्यादातर लोग बोरिंग लोगों से डरते हैं, तो या तो वो बस उन्हें सुनते हैं शांति से या वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि कैसे अ मैन हु मेड अ पैक्ट विद अ पेज बॉय, कि कैसे एक आदमी था जिसने एक होटल के एक सर्वेंट या नौकर से, पेज बॉय से एक पैक्ट किया था कि जैसे ही कोई आदमी आएगा और उन्हें बोर करने लगेगा, उस आदमी को बोर करने लगेगा, वैसे ही उस नौकर को, उस मैन को बुला लेना है ये कहते हुए कि भाई तुम्हारा फोन आया है, ताकि वो जो बोरिंग इंसान है वो उसे बोर ना कर पाए। तो द ड्यूटी ऑफ द पेज बॉय वॉज टू कॉल हिम एंड से ही इज वॉन्टेड ऑन द टेलीफोन वेन एवर ही इज बींग अटैक्ड बाय एनी बोर। तो उस आदमी ने उस पेज बॉय से ये एक पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइप का किया हुआ था कि जैसे ही मुझे कोई बोर करने आएगा तो तुम मुझे बुला लेना और कहना कि तुम्हारा फोन आया है और इस तरीके से मैं उस बोरिंग इंसान से बच जाऊँगा। तो लुकास कहते हैं कि ये बहुत ही एक इंजीनियस यानी कि ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हर बार काम ही करेगा। इसके बाद वो अलग अलग तरह के बोर्ड्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि एक टाइप का बोर होता है जो एक फ़नी स्टोरी बताने लगेगा और फिर हम चाहे कितना भी बोलें कि भाई इस कहानी को हम पहले सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उस कहानी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। लुकास इंट्रोड्यूसेस अनदर वर्स्ट टाइप ऑफ बोर हु बिलीव्स दैट दे पोजेस अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। उसके बाद लुकास हमें एक और तरह के बोर के बारे में बताते हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, कॉमिकल स्टाइल है, वो बहुत अच्छी है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ही इंट्रोड्यूसेस एन एसेंट्रिक मैन। उसके बाद अगले पैराग्राफ में लुकास हमें बताते हैं कि किस तरीके से एक अजीब टाइप का आदमी था और उसने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला था बोरिंग इंसानों से बचने का।
तो लुकास उसका नाम तो भूल गए हैं और उसके बारे में कहाँ पढ़ा था ये भी भूल गए हैं, लेकिन वो हमें उसके बारे में बताते हैं कि वो जो अजीब टाइप का आदमी था उसे जोर से सोचने की आदत थी, यानी वो मुंह से बोला करता था जो भी सोचता था। तो इस अजीब आदमी को एक दूसरा आदमी मिला जो कि एक बोर था, वो उसे बोर करने लगा सेंट जेम्स स्ट्रीट पर, और वो लोग साथ में चल रहे होते हैं। तभी वो जो एसेंट्रिक आदमी था, अजीब आदमी था, वो जोर जोर से बोलने लगता है। क्या बोलता है? कन्फाउंडेड, अरे सत्यानाश हो, व्हाट अ न्यूसेंस मीटिंग, इस पागल आदमी से मैं क्यों मिल गया हूँ, ये मुझे कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैं इसको मिल गया हूँ तो मुझे इसे डिनर पर बुलाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो ये सब बोलना शुरू करता है वो बोर वहां से भाग जाता है, और इस तरीके से वो एसेंट्रिक आदमी उस बोरिंग आदमी से बच जाता है। बाय डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंट लुकास ट्राइज टू से दैट थिंकिंग अलाउड इज वन ऑफ द वेज टू एस्केप फ्रॉम द बोर्स। तो इस इंसिडेंट को बताते हुए लुकास हमें कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि हम बोरिंग लोगों से बच सकते हैं। लुकास सेज दैट कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ लाउड थिंकिंग इज द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम द बोर्स। तो वो कहते हैं कि बोर से बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ पर हम लाउड थिंकिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे के कंक्लूजन में लुकस कहते हैं कि ये जो बोरिंग लोग हैं वो हमेशा इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे और हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वो तभी हो पाएगा जब हम ह्यूमरस पेपर्स यानी जो कॉमिकल मैगजीन्स वगैरह होती हैं उनका पब्लिकेशन बंद करें, क्योंकि इन्हीं मैगजीन्स इन्हीं पेपर्स से उन बोर्ड्स को टॉपिक्स मिलते हैं डिस्कस करने के लिए। वंस वी स्टॉप ऑल दीज ह्यूमरस मैगजीन्स वी कैन रिस्ट्रिक्ट दोज बोर्ड्स फ्रॉम मेकिंग अदर्स बोर्ड बाय देयर स्टोरीज। तो अगर हम उन मैगजीन्स के पब्लिकेशन को बंद कर देंगे तो उन बोर्ड्स को फिर कोई टॉपिक्स नहीं मिलेंगे दूसरों को बोर करने के लिए, और इस तरीके से हम उनसे बच जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लुकस जो है वो अपने ऐसे को एंड कर देते हैं। आई होप आपको इसकी समरी समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।